तो 14 करोड़ 54 लाख लोगों को देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, इस बात को आपको समझना चाहिए। यह कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, यह भारत है। पहले भारत मांगता था टीका दे दो दे दो दे दो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कह रहा है हम अपने लिए तो टीका से युक्त हो ही गए हैं और कोरोना से मुक्त की ओर आगे बढ़े हैं, अब तुम भी टीका हमसे ले लो ले लो ले लो। दुनिया को हम टीका दे रहे हैं, हमारे राष्ट्र अलग अलग देश मांग रहे हैं और हम उनको टीकाकरण के लिए हम उनको पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मित्रों याद करो, अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो, तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है। और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। मित्रों ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है, जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर उंगली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। मित्रों आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा था, इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में। काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हों, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है, इसको हमको ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं, मित्रों बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट, आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 153 करोड़ रुपए
10 किश्तों में 2,000 रुपए 10 करोड़ किसान को पहुंचाने का काम किया तो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किश्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2,400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1,200 रुपए में आपको पहुंचाई है, यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ, इस बात को समझना चाहिए। कोरोना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक राशन पहुंचाने का काम किया है तो मोदी योगी की सरकार ने किया, यह हमको समझना चाहिए। कोरोना के काल में किसी को भूखा नहीं रहने दिया, यह बात जनता जानती है अच्छे से, उसको फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप याद दिलाएंगे। मित्रों, आदरणीय योगी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे थे। मित्रों, मैं आपको जरूर इस बात को बताना चाहता हूं, कहना बड़ा आसान है लेकिन सपनों को धरती पर उतारना बड़ा मुश्किल है। मुझे खुशी होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मेरे मन में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, नड्डा ये सारे लोग दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आते हैं? मैंने कहा इसलिए कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे लखनऊ हो, बीच में कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बनने चाहिए, और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत को दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी जी को, और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा था, बार बार मैं देखता हूं, पहले उसके बाउंड्री वॉल बन रहा था, आज उसकी बिल्डिंग बन करके तैयार है, आज ओपीडी चालू हो गई है, और जनवरी महीने में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और आपको समर्पित करेंगे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज। अब आप गांव गांव में जाकर बताइए, आपको नेपाल की तराई में रहने वाले लोगों को, मऊ के लोगों को, पड़ोसी राज्यों को, आपको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज सस्ता टिकाऊ और अच्छा इलाज गोरखपुर में हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नेता की नीयत का नतीजा है। सही नेता आता है तो सही फैसला होता है। आज यहां जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं, हमारे हरीश द्विवेदी जी बैठे हैं, हमारे विजय दुबे जी बैठे हैं। पूछिए, आपने कभी सोचा था कि कभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि दिल्ली आप पर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि एक एक किस्त में 250 करोड़ रुपए देगी एक एक हॉस्पिटल बनाने के लिए? और कभी आपने सोचा था कि हरीश द्विवेदी कहेंगे, विजय दुबे कहेंगे कि हमें जरा सा एयरपोर्ट की स्ट्रिप बढ़ा दो तो उनको उत्तर मिलेगा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं? यह परिस्थितियां ला करके खड़ी है। एक बदलता भारत, एक बदलता उत्तर प्रदेश, इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते थे, देश बदल रहा है क्या, प्रदेश बदल रहा है क्या? मित्रों, देश तो बदल रहा है, अब तो देश के बारे में दुनिया कहने लगी है कि अगर हमको दृष्टि और दिशा मिलेगी तो दृष्टि और दृष्टि देने में भारत अग्र भूमिका अदा करेगा और मोदी जी इस बात का नेतृत्व करेंगे, ये बात हम जानते हैं।
आज हम आए योगी जी के साथ तो 4 लेन सड़क। मैंने कहा मोदी जी तो सिंगल लेन होती थी। बोले गए वो जमाने, अब 4 लेन 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा, नई कहानियां। आने वाले समय में काशी पे भी, वहां पर काशी कॉरिडोर का भी, उसका भी श्री गणेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। एक से एक विकास की योजनाएं बन रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश था। सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वहीं का वहीं ठहर जाता था। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया, कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंडनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहां से छुट्टी पाएं। ये परिवर्तन योगी जी लेकर के आए हैं, लेकिन योगी जी को यहां तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी उंगली से कमल के निशान को बटन दबाकर यह फैसला लिया है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उंगली सही जगह पड़े इसकी चिंता करना प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। गलत जगह पड़ जाए तो जिन्ना याद आता है, सही जगह पड़ जाए तो राष्ट्रभक्त आगे खड़े हो जाते हैं और देश को आगे बढ़ा ले जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य योजना हो, ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का जीता जागता तस्वीर थी। आप बताइए, आजाद भारत में 2014-2017 तक 11 करोड़ परिवारों को इस बात के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।